जय गुरुदेव। महर्षि वेद विज्ञान विश्वविद्यापीठ ज्योतिष विभाग द्वारा दैनिक वैदिक पंचांग प्रस्तुत करते हैं। आज दिनांक 18 अप्रैल सन 2023 है। महर्षि संवत्सर 106 चल रहा है। विक्रम संवत 2080 के अंतर्गत उत्तरायण, वसंत ऋतु, वैशाख मास, कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है। 12:28 दोपहर पर्यंत रहेगी, तत्पश्चात चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ होगा। दिन मंगलवार है। आज उत्तराभाद्रपद नक्षत्र है। 12:27 रात्रि पर्यंत, तत्पश्चात रेवती नक्षत्र प्रारंभ होगा। आज ऐन्द्र योग है। 5:41 सायं पर्यंत, तत्पश्चात वैधृति योग प्रारंभ होगा। आज वणिजकरण है। 12:28 दिन पर्यंत, तत्पश्चात विष्टिकरण शुरू होगा। सूर्योदय के समय है 5:39 प्रातः, सूर्यास्त का समय है 6:21 सायं। राहु काल का समय है 3 बजे दिन से प्रारंभ होगा, 4:30 तक दोपहर में राहु काल का समय रहेगा। विशेष में आज मां शिवरात्रि व्रत है। इसी क्रम में द्वादश राशियों का फल। सर्वप्रथम मेष राशि। चंद्रमा मीन राशि में हैं और इस समय मेष राशि वाले व्यक्तियों को खर्चे की अधिकता होगी। व्यर्थ के क्षेत्र में धन का खर्च होगा और इस समय अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। जल्दबाजी के कारण कुछ आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। किसी को पैसा उधारी देने से आपको बचना चाहिए। अपने कार्य के प्रति ईमानदारी से आपको, यदि आप कार्य करते हैं तो उत्तम है, लेकिन आत्मबल साहस की वृद्धि होगी। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए दिन मंगलमय होगा। स्वास्थ्य की अनुकूलता होगी, कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, आर्थिक लाभ होगा, पुराने मित्रों से आपका मिलन होगा, कुछ नवीन कार्य भी आप प्रारंभ करेंगे। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए भी दिन उत्तम रहने वाला है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, संतान की ओर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। इस समय कुछ नवीन कार्य के साथ साथ भी पुराना कार्य भी प्रारंभ करेंगे। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए ज्ञान के क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आपका प्रमोशन इत्यादि होने के भी संकेत दिखलाई दे रहे हैं। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए भी दिन मंगलमय रहेगा। स्वास्थ्य उत्तम होगा, कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह के योग बनेंगे। जीवन साथी का सहयोग आपको अच्छी तरह से प्राप्त होगा। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए भी आज का दिन उत्तम होगा। उच्च अधिकारी वर्ग के जो लोग हैं उनका आपको सपोर्ट प्राप्त होगा, या आप जिसके अंदर कार्य कर रहे हैं, आपके जो अधिकारी हैं उनके सहयोग से आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि के पूर्ण संकेत दिखलाई दे रहे हैं। मन में प्रसन्नता होगी। कोर्ट कचहरी इत्यादि का यदि कोई मामला रुका हुआ है उसमें आपको विजय के संकेत दिखलाई दे रहे हैं। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए भी दिन मंगलमय रहने वाला है। स्वास्थ्य की अनुकूलता अवश्य होगी, कार्य क्षेत्र की वृद्धि भी होगी, लेकिन कन्या राशि वाले व्यक्ति इस समय अपने किसी प्रकार के वाद विवाद से आपको बचना आवश्यक है। नहीं तो जहां कार्य कर रहे हैं उन्हीं से आपका विवाद हो सकता है और उसमें आप परेशानी में फंस सकते हैं। ईमानदारी से कार्य आपको करना चाहिए। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए भी दिन उत्तम रहेगा। स्वास्थ्य में जरूर कुछ उतार चढ़ाव रहने की स्थिति रहेगी। उदर विकार है, सिर दर्द है इत्यादि समस्याएं उभर सकती हैं, अथवा पहले से कोई आपकी स्वास्थ्य की प्रतिकूलता है तो उस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। दिनचर्या पर विशेष ध्यान रखें। तुला राशि वाले व्यक्ति लड़ाई झगड़ा वाद विवाद से दूर रहें। किसी को पैसे लेन देन में भी सावधानी रखें। आपका पैसा रुक सकता है, फंस सकता है और आपको मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए दिन बहुत उत्तम रहेगा। स्वास्थ्य की अनुकूलता होगी, कार्य क्षेत्र की वृद्धि होगी, आर्थिक लाभ होगा, भूमि भवन वाहन से संबंधित लाभ के संकेत हैं। यदि आप इसको खरीदना चाहते हैं
तो यह आपके लिए बहुत मंगलमय समय है वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए। धनुराशि वाले व्यक्तियों के लिए आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा की दृष्टि से अच्छा है, लेकिन धनुराशि वाले व्यक्तियों को पैसे इस समय खर्च भी अधिक होंगे और स्वास्थ्य में भी कुछ उतार चढ़ाव रहेगा, इसलिए दिनचर्या का आपको बहुत अच्छे से पालन करना चाहिए। मकर राशि वाले व्यक्तियों के धीरे धीरे लाभ के संकेत हैं, परिश्रम अधिक लाभ कम, ऐसा शरीर में थकान जैसा महसूस करेंगे, आलस की अधिकता रहेगी। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय उत्तम रहेगा, लेकिन आर्थिक लाभ मध्यम रहेगा, कुछ नए मित्र आपके बनेंगे और अपने कार्य क्षेत्र में भी आपको एक विजय और लाभ के संकेत दिखलाई दे रहे हैं। मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य को छोड़कर के स्वास्थ्य में प्रतिकूलता रहेगी, लेकिन अपने भाई बंधु मित्रों का सहयोग, शिक्षा में उन्नति, संतान की ओर से, जीवन साथी की ओर से आपको बहुत अच्छे संकेत दिखलाई दे रहे हैं। यह रहा द्वादश राशियों का फल। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय महर्षि।